नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, ठंडे में खाने के बाद गुड़ जरूर खाएंगे, जब जान पाएंगे गुड़ के ये लाजवाब फायदे। गुड़ का सेवन अधिकांश लोग ठंड में ही करते हैं, वह भी थोड़ी मात्रा में, इस सोच के साथ कि ज़्यादा गुड़ खाने से नुकसान होता है, इसकी प्रवृत्ति गर्म होती है। लेकिन ये एक गलतफहमी है। गुड़ हर मौसम में खाया जा सकता है और पुराना गुड़ हमेशा औषधि के रूप में काम करता है। आयुर्वेद संहिता के अनुसार यह शीघ्र पचने वाला, खून बढ़ाने वाला व भूख बढ़ाने वाला होता है। इसके अतिरिक्त गुड़ में बनी चीज़ों के खाने से बीमारियों में राहत मिलती है। गुड़ में सुक्रोज 59.7%, ग्लूकोज 21.8%, खनिज तरल 26% तथा जल अंश 8.886% मौजूद होते हैं। इसके अलावा गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और ताम तत्व भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इसीलिए चाहे हर मौसम में आप गुड़ खाना ना पसंद करें, लेकिन ठंड में गुड़ जरूर खाएं। यह सेलेनियम के साथ एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। गुड़ में मध्यम मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस व जस्ता पाया जाता है। यही कारण है कि इसका रोजाना सेवन करने वालों का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। गुड़ में मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये बॉडी को रिचार्ज करता है। साथ ही इसे खाने से थकान भी दूर होती है। गुड़ और काले तिल के लड्डू खाने से सर्दी में अस्थमा परेशान नहीं करता है। रोजाना गुड़ का सेवन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को खून की कमी हो, उन्हें रोज थोड़ी मात्रा में गुड़ जरूर खाना चाहिए। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। गुड़ का हलवा खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है व सर्दियों में शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करता है। ये लड़कियों के लिए मददगार होता है। अगर आप गैस या एसिडिटी से परेशान हैं, तो खाने के बाद थोड़ा गुड़ जरूर खाएं। ऐसा करने से ये दोनों ही समस्याओं नहीं होने देता है। गुड़, सेंधा नमक, काला नमक मिलाकर चाटने से खट्टी टकारी आना बंद हो जाती है। ठंड में कई लोगों को कान में दर्द की समस्या होने लगती है। ऐसे में कान में सरसों का तेल डालने से व गुड़ और घी मिलाकर खाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।